नमस्कार दोस्तों, मैं रूपमती वर्थे भोपाल से और आपका स्वागत है मेरे चैनल रूपा ग्रीन गार्डन में। दोस्तों आज मैं आपको बेबी सनरोज के बारे में बताऊंगी। दोस्तों यह एक सकुलेंट प्लांट है और ये बहुत आसानी से चलने वाला, इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा ध्यान दो बस चल जाता है। और दोस्तों इसकी लताएँ चलती है, बेल चलती है इसकी, वही बहुत दूर दूर तक, अगर ज़मीन में लगी हो तो बहुत दूर दूर तक इसकी बेल फैल जाती है। और गमले की अगर बात करें तो गमला इसको बहुत बड़ा नहीं चाहिए, छोटे से छोटे गमला में ये चल जाता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट है तो सकुलेंट प्लांट तो छोटे से छोटे गमले में चल जाता है। जब ज़्यादा बहुत बड़ा एरिया हो जाता है, प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, तभी इसको बड़े पॉट में रिपोर्ट करना चाहिए। तो दोस्तों ये एक सकुलेंट प्लांट है और ये इसके फूल गर्मी के मौसम में इसके फूल आते हैं, ये बताती हूँ मैं आपको। ये देखिए, और बहुत ही छोटे छोटे फूल आते हैं इसके, लेकिन अच्छे लगते हैं, सुंदर रेड कलर के, हरी पूरी वाइन होती है, पूरी लताएं हरी होती है, उस पर ये छोटे से फूल रेड कलर के बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितने सुंदर लग रहे हैं, छोटे छोटे से। ये बेबी सनरोज इसीलिए पड़ा है कि इसको धूप बहुत पसंद है। दोस्तों इसको धूप में अगर नहीं रखेंगे तो ये प्लांट चलेगा नहीं है, धूप बहुत ही ज़रूरी है और पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, पानी इसको कम ही देना चाहिए। जब तक मिट्टी पूरी सूख ना जाए इसकी सतह मिट्टी की, तब तक पानी नहीं डालना चाहिए। सूखने का मतलब ये है कि एकदम ही सूखना नहीं, मतलब मॉइस्चर बना रहे, थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहे तभी डालना चाहिए, अन्यथा नहीं डालना चाहिए। और अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये बहुत जल्दी गलता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट है इसीलिए बहुत जल्दी गलता है। इसलिए दोस्तों इसको पानी बहुत कम मात्रा में देना चाहिए और धूप बहुत ज़्यादा मतलब धूप में ज़्यादा देर रखना चाहिए। और दोस्तों मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी पोरस होना चाहिए, इसमें थोड़ी सैंड ज़्यादा मिलाना चाहिए, मतलब 50-50% मिट्टी लेंगे और 50% गोबर खाद लेंगे। अगर गोबर खाद नहीं भी हो तो वर्मी कंपोस्ट चल जाएगी। और इसको 50 से ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा सैंड लेंगे, क्योंकि इसकी मिट्टी ज़्यादा पोरस बनानी पड़ती है, पोरस मिट्टी, क्योंकि इसको पानी पसंद नहीं है, पोरस मिट्टी रहेगी तो पानी आसानी से चला जाएगा, जैसे हमने पानी डाला, और पानी नीचे से निकलना चाहिए, बेल रहना चाहिए मिट्टी, तभी ये प्लांट अच्छे से चलेगा। और दोस्तों खाद की बात करें तो खाद इसको सूखा तो दे नहीं सकते, क्योंकि इसकी बेल चलती है, ये लताएँ चलती है, और ये हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत ही अच्छा प्लांट है। ये देखिए मैंने ये हैंगिंग बास्केट बनाई है, एक ये है, ये देखिए, ये गमले में ही मैंने हैंगर लगा के और ऊपर टांग दिया था, वो तो अभी मैं वीडियो बनाने के लिए मैंने नीचे रख दिया। और ये देखिए इसकी ये स्टेम कितनी लंबी है, ये लताएं होती है इसकी, ये देखिए ये कितनी प्यारी लग रही है, आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा प्लांट है और दोस्तों इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है, बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती। अगर हम इसकी कटिंग इतनी सी, अगर आप ये इतनी सी काट के इतना सा भाग लगाओगे तब भी ये बहुत आसानी से चल जाती है। और दोस्तों इसको धूप बहुत ही ज़रूरी है, धूप ज़्यादा पसंद है, इसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखना ही पड़ता है। और दोस्तों बहुत दुख के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये देखिए मैंने इसी की कटिंग, ये जो प्लांट है इसी की कटिंग लगाई थी इसमें करीबन 5-6 महीने पहले, तो ये बहुत ही, ये जो हैंगिंग बास्केट है ये बहुत इतना ज़्यादा फैल गया था, पूरी भर चुकी थी ये,
लेकिन ये थोड़ा सा मुझे घर में बहुत काम था और मैंने धूप से निकाल के ये हैंगिंग बास्केट अंदर बरामदे में टांग दी जहाँ धूप नहीं आती है। तो दोस्तों ये पूरा गल गया यहाँ से, बहुत ही बड़ा था ये, पूरा बीच से यहाँ से ये गल गई, इसकी जो जड़ें हैं वो पूरी गल गई। और मतलब मेरा प्लांट मर गया। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि इसकी स्टेम काट के और फिर इसी में ग्रो कर दिया, इसी में कटिंग लगा दी। ये देखिए अभी भी आपको बताती हूँ मैं, कितनी बड़ी स्टेम है इसकी, ये देखिए। सोचो आप कितना बड़ा होगा ये हैंगिंग बास्केट, बहुत बड़ी बड़ी, यहाँ नीचे तक के, ऐसे नीचे तक के इसकी स्टेम निकल गई थी। लेकिन दोस्तों ये मर गया, पता नहीं अब चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। अभी 2 दिन ही हुए हैं मैंने इसमें कलम लगाई है, ये वाली पूरी स्टेम काट काट के मैंने फिर से उसी में लगा दी। दोस्तों इसको पानी ज़्यादा पसंद नहीं है, पानी कम ही लगता है। और इसकी एक खासियत है कि ये छोटे से छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाता है, ज़रूरत नहीं है कि इसको बहुत बड़ा पॉट चाहिए, छोटे से छोटे में ग्रो हो जाता है। ये देखिए ये करीबन 2 साल हो गए हैं इस, ये बाटल में है। ये बाटल को मैंने कलर करके काट कर और ये कर दिया था। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है, इसमें देखो कितनी बड़ी बड़ी स्टेम है। दोस्तों ये 5 लीटर वाली केन है, उसी में मैंने ग्रो किया था, छोटा सा लगाया था, लेकिन ये देखो कितना बड़ा हो गया। ये मदर प्लांट है, इसी में से मैंने काट के और इसमें कटिंग लगाई थी एक, इसमें ये पूरी हैंगिंग बास्केट बन गई है, ये देखिए ये। और इसी में से काट के मैंने इसको बनाया था, लेकिन ये अंदर रखी थी, घर के अंदर रखी हुई थी ये वाली हैंगिंग बास्केट, और मैंने ध्यान नहीं दिया तो ये देखो गल गई पूरी। तो दोस्तों इसको धूप बहुत ही ज़रूरी है, अगर धूप में हम नहीं रखेंगे तो हमारा प्लांट मर जाएगा। और दोस्तों ये बहुत ही अच्छा लगता है, इसके सुंदर सुंदर इसकी पत्तियां ही, अगर इसमें फूल नहीं आते तो पत्तियां ही का कलर इतना अच्छा लगता है कि पूरा भर जाता है, तो बहुत सुंदर लगती है ये। और दोस्तों बारिश में इसको बहुत बचा के रखना पड़ता है। बारिश में अगर एक बार बारिश लग जाती है थोड़ा बहुत तो चल जाएगा, कोई असर नहीं होगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक बारिश में नहीं रखना चाहिए, बारिश में ये मर सकता है। और दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।